Hello and welcome to Kidshaven Public School online class sessions. This is for grade 11, subject Computer Science. Internet of Things is the third part of our chapter number 3, Emerging Trends. Emerging Trends are all the new, developed and recent technologies presently in the use that are very essential for the future today we will learn about internet of things which in short is known as iot now let us understand what iot is now for example you have your mobile phones you have your laptops your computers we make use of these electronics we can browse using them we can do all the work we want on internet, isn't it? But give it a thought. If the appliances in your home also begin behaving like your smartphone, also have some technological processes in it, don't you think that will make life easier? Look, like hamare computers, hamare laptops, hamare desktops, हमारे टैब्स स्मार्टफोन्स इन सभी में हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं इन सभी से हम ब्राउजिंग कर लेते हैं हम वीडियोस देख लेते हैं ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं आप सोचें जो आपके घर में अप्लायंसेस हैं ये छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं बल्ब हैं रेफ्रिजरेटर्स हैं अगर ये सब भी एक नेटवर्क के द्वारा चलने लगे अगर ये चीजें भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी के द्वारा चलेंगी तो काम कितना आसान हो जाएगा कितनी डेवलपमेंट होगी टेक्नोलॉजी में ठीक है सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में है पढ़ते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स सच ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर और अ पोर्टेबल डिवाइस लाइक टैबलेट स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा सो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक टर्म है हमारी नाम से ही दिखता है कि ये कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे उनको जब हम एक जगह पे रखकर उनमें एक नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ठीक है मतलब कि हम कोई सा उसमें नेटवर्क की कनेक्शंस करते हैं इट कैन बी अ लैंड नेटवर्क दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क इट कैन बी अ वैन और इट कैन इवन बी अ मैन नेटवर्क ठीक है अब इनमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं हमारे लैपटॉप्स यूज हो सकते हैं डेस्कटॉप्स हमारे टैबलेट स्मार्टफोन्स यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच भी और इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो वायर से भी होती है एंड वायरलेस भी होती है वायरस जब हम यूज करते हैं केबल्स लेट मी टेल यू दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी नाउ इट यू शुड नो देखो अब तक जो हमारे नेटवर्क्स में जो केबल यूज होते थे दो केबल्स यूज होते थे ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड को केबल्स ठीक है ट्विस्टेड केबल्स में हमारे शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं एंड को एक्साइल केबल्स होते हैं ये कॉपर के वायर्स होते हैं इन पे एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है रबड़ होती है लेकिन इनके द्वारा जब भी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी में इनको यूज करते थे अक्सर डिस्टरबेंसेस होती थी मतलब के एक्सेस सनलाइट या रेनफॉल या आसपास की जो नॉइज होती थी उनसे नेटवर्क सिग्नल्स डिस्टर्ब होते थे उसके बाद टेक्नोलॉजी में आया है एक फाइबर ऑप्टिक केबल फाइबर ऑप्टिक जो होता है इट इज मेड ऑफ ग्लास ओके बहुत बारीक होता है अक्सर येलो कलर की कोटिंग में होता है फाइबर फाइबर ऑप्टिक केबल इज प्रेजेंटली यूज्ड मोस्ट पॉपुलरली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर वायर्ड कनेक्शंस। फाइबर ऑप्टिक एज आई सेड एक येलो कलर की कवरिंग के अंदर होता है कांच के जैसा होता है बहुत बारीक होता है और इसमें नॉइज की effect, effect नहीं कर सकती नेटवर्क डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है इसमें ठीक है दे इज वेरी लिटिल और नो डिस्टर्बेंस थ्रू एनी ऑफ द नेचर्स फीचर्स बी इट सनलाइट बी इट वॉटर बी इट नॉइज ठीक है सो प्रेजेंटली वायर्ड केबल जो यूज होता है मोस्ट कॉमनली इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स ओके अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं वी हैव एक छोटे नेटवर्क में हम अपने हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं फॉर लार्जर नेटवर्क यूज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम वाई के नाम से भी कह सकते हैं ठीक है लेट्स कंटिन्यू वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिज यूजिंग इंटरनेट और लैंड नाउ इमेजिन वॉट इफ अवर बल्ब फैंस रेफ्रिजरेटर ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क How will they communicate with each other and what will they communicate? Think about the advantages and tasks that can be accomplished if all these devices with smart connectivity features are able to communicate amongst themselves and we are also able to communicate with them using computers or smartphones. अब हमें ये लॉजिक समझनी है कि ये जो चीजें हैं हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बल्ब हैं हमारे फैंस हैं रेफ्रिजरेटर्स जिन्हें शॉर्ट में फ्रिज कहा जाता है ओके okay? अगर ये भी हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या हम इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पर वायर ए नेटवर्क है वी कैन यूज अवर स्मार्टफोन्स टू ऑपरेट दम फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज अवर रिमोट कंट्रोल टू ऑपरेट दीज डिज बट विद इन अ नेटवर्क सो इनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं क्या आसानी हो सकती है इसकी ठीक है हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हमारी ये डिवाइसिस भी नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं ठीक है नाउ इसका सोल्यूशन क्या है ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं लेट एस अंडरस्टैंड दिस नाउ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसिस that have an embedded hardware and software to communicate with other devices on the same network. ठीक है So Internet of Things का ये एक definition है ये एक network है जिसमें जो devices use की गई है उन devices में एक hardware embed हुआ हुआ है मतलब के एक hardware and software उसमें already pre-install हुए हुए हैं जो कि communicate कर सकते हैं Communicate का मतलब यहाँ पर है कि कनेक्शन है एंड डेटा एक्सचेंज हो सकता है दूसरे डिवाइसेस से जो कि उसी सेम नेटवर्क में है ठीक है ये एग्जांपल आप देखें फिगर थ्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब देखें दिस इज अवर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड एंड लुक एट द डिवाइसेस कनेक्टेड टू बिगिन विद वी हैव एन एरोप्लेन अ लैपटॉप अ स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ अव

Use कर सकते हैं ठीक है ये इसलिए यूज हो सकते हैं क्योंकि इनमें एक प्री इंस्टॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैोल्ड मेनी डिवाइसेज है यूज इन आइसोलेशन फ्रॉम इच अदर ओके विद मैक्म ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर ऑपरेशनल डिरेक्शन अब हमारे घर में फिलहाल ठीक है आजकल काफी डिवाइस है जिनमें माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होते हैं मतलब की इंस्टॉल्ड होते हैं ये डिवाइसिस जो यूज होती है ना इसमें बहुत कम ही ह्यूमन इंटरवेंशन होता है मतलब इसमें हम ऑपरेशन के लिए कोडिंग कर सकते हैं बटन सेटअप कर सकते हैं टाइमर लगा सकते हैं एंड छोड़ देंगे वो खुद अपना टास्क पूरा करेंगे हमें बार बार जाके उसमें वर्क नहीं करना पड़ेगा मेनुअली ठीक है इट हैज सॉफ्टवेयर जो रन करके अपना टास्क पूरा करेगा फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव उसमें टाइमर होता है आप उसमें ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी हीट अप्लाई करनी है आपको किस तरह की कुकिंग करनी है यू वॉन्ट टू स्टीम यू वॉन्ट टू हीट यू वॉन्ट टू ग्रिल यू वॉन्ट अ बेक अलग-अलग चीजें उसमें ऑलरेडी प्री-इंस्टॉल्ड हैं ये एक हार्डवेयर इंस्टॉल है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स कोडेड हुई हुई हैं ठीक है सो so, हम सिर्फ टाइमर लगाएंगे बाकी सारा टास्क वो खुद कंप्लीट करेगा हमें उसमें इंटरवियर करने की कोई जरूरत नहीं होती दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ आईओटी नाउ आईओटी TENDS टू ब्रिंग टुगेदर दीस डिवाइसेस टू वर्क इन कोलैबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर In creating an intelligent network of things. For example, if a microwave oven, an air conditioner, door lock, CCTV camera, or other such devices are enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on the go using our smartphones. Now, for example, door locks. Hain. ke jo door locks hain, aap jo handle. Hota hai na door ka, उसके नीचे एक रेड या ब्लू कलर का बल्ब होता है बहुत छोटा सा उसके नीचे थोड़े से बटन्स होते हैं कभी कभी वो बटन सॉफ्ट टच होते हैं मतलब के विद इन द लॉक एम्बेडेड होते हैं हम उन्हें सिर्फ छू सकते हैं ठीक है टच वाला होता है सम ऑफ द बटन्स निकले हुए होते हैं यू कैन प्रेस दम ये बटन्स कोड के साथ भी चलते हैं ऑल्सो इनमें एक सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है जो हम अपने स्मार्टफोन में एक ऐप के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं हम दूर बैठे हुए एक को लॉक कर सकते हैं एंड ओपन कर सकते हैं सो so, देखें, जो डोर लॉक है वो एक नेटवर्क शेयर कर रहा है हमारे स्मार्टफोन के साथ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सो वंस मोर इंटरनेट ऑफ थिंग्स

जिसमें डेटा एक्सचेंज होता है मतलब कि हमें कमेंट देंगे एंड वो पूरा करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई होप दिस इज रियली क्लियर टू यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल